नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी दुनिया का यूट्यूब चैनल। खबर भारत नेपाल बॉर्डर को लेकर कि गोरीफंटा बॉर्डर पर वन विभाग ने खाई खोलना शुरू किया तो नेपाली नागरिकों ने आकर हंगामा किया। जानेंगे दोस्तों क्या है पूरा मामला, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही यार चैनल पहली बार हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि जब भी कोई भारत नेपाल से जुड़ी खबर आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो भारत नेपाल सीमा के गोरीफंटा बॉर्डर पर वन विभाग खाई खोदने का काम कर रहा था। इस दौरान काफी संख्या में नेपाली नागरिक आ गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर एसएसबी वन विभाग की टीम पहुंची और सभी को खदेड़ दिया। भारत नेपाल सीमा के गोरीफंटा क्षेत्र में स्थित पिलर संख्या 170/73 में लैंड पर मोहना नदी के पास भारतीय सीमा पर वन विभाग सुरक्षा की दृष्टि से जेसीबी मशीन से खाई खुदवा रहा है। शुक्रवार को काफी संख्या में नेपाली नागरिक मौके पर आ गए और हंगामा करने लगे। वन विभाग ने सूचना एसएसबी को दी जिस पर एसएसबी जवान पहुंच गए और नेपाल के नागरिकों से बातचीत की, लेकिन कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद एसएसबी वन विभाग ने एकत्र हुए लोगों को नेपाल की ओर खदेड़ दिया। एसएसबी की कमांडेंट मुन्ना सिंह भी मौके पर पहुंच गए और मौका मुआयना किया। वन विभाग की जमीन पर भारतीय सीमा को लेकर हमेशा सीमांकन किया जाता है। इसके तहत बॉर्डर पर वन विभाग के साथ एसएसबी ने खाई खोदने का काम शुरू किया। नेपाल के नागरिकों से झड़प की बात गलत है, हम अपना काम कर रहे हैं जिसमें कोई अड़ंगा नहीं डाल रहा, मुन्ना सिंह है एसएसबी कमांडर 43वीं वाहिनी गदनिया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।